अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद टू द वन एंड ओनली शो बेल्स ऑफ। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आज गूंज उठा लाहौर कलंदर्स की विकटों से। ऐसा लग रहा था कि पांचवें दिन की टेस्ट मैच की विकेट है और विकटें ही गिरती रहीं। सो आईपीएल पीएसएल सीजन टू में हो ये रहा है कि जो टॉप टू सिटीज हैं दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू विन मैचेस। कराची वाले भी सारे यही कह रहे हैं कि कैसे कराची जीतेगा, और लाहौर भी अभी की पोजीशन देखा जाए अगर आज का मैच हारता है तो वो बॉटम ऑफ द टेबल पे कराची और लाहौर दोबारा आ जाएंगे लास्ट ईयर की तरह। सो लेट्स होप कि ये दोनों टीमें, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट। कराची की टीम जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि इस्लामाबाद की टीम फर्स्ट टू मैचेस जीत हारने के बाद इवेंचुअली टूर्नामेंट जीत चुकी थी, तो हम उम्मीद करते हैं कराची वाले सारे जो इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं कि कराची की टीम विल डू अ कमबैक और अच्छा करेगी आगे के मैचेस में। पीएसएल 2 की सबसे अच्छी बात ये पीएसएल की कि कोई भी टीम जीते कोई भी टीम हारे इवेंचुअली पाकिस्तान ही जीतता है, तो सारे व्यूअर्स ऑब्वियसली सारी टीम्स को फॉलो करते हैं और कराची वालों का दिल ऑब्वियसली कराची के साथ होता है। सो विदाउट मच अडू लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द पीपल दैट वी हैव ऑन आवर शो टुडे। सबसे पहले हमारे साथ है कॉमेडी के रॉक स्टार्स बरकत एंड उज़्मी। थैंक यू फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आपने बुलाया और दूसरे दिन भी बुला लिया, ये बड़ी बात है। हम तो सोचे थे कि आप बुलाएंगे नहीं दूसरे दिन। अब आप यकीन करें जो आप कॉमेडी के जो ये चुटकुले होते हैं आप, अच्छा हमने आपको जो याद कराया वही बोल रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। बात ये फैसल भाई, लोगों की मंगनियां हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, लोगों की मंगनियां हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, मुझे तो कोई ये कहने वाला भी नहीं कि देखकर तस्वीर डिलीट कर देना। हाँ। क्या करूं मैं। अच्छा मैं ये कह रहा था कि जो कॉमेडी के चुटकुले होते हैं रात भर फिर गूंजते रहते हैं और हमारा अगला दिन भी अच्छा गुजरता है इंशाल्लाह। हर दिन आपका अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा जी जी बिल्कुल। ऑलराइट। सो बरकत उज़्मी के साथ हमारे साथ है क्रिकेट पे बात करने के लिए, पाकिस्तान के वन ऑफ द लीडिंग लेग स्पिनर्स, एक बेस्ट बॉलर और यू नो हैंडसम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया के साथ है हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम द डेजर्ट्स ऑफ यूएई शेख ताफ्तान। पूरा नाम है। हाँ, डॉक्टर शेख ताफ्तान। ये नाज़रीन इकराम, आज मेरे पास बहुत अंदर की खबरें, और मैं क्यों गया दुबई और मैं बताऊंगा आपको क्यों थोड़ी देर आगे चल करके। दानिश भाई आज मैं आपको बताऊंगा ये अंडों का सिलसिला क्या है। जो नीचे पतलून पहना हुआ जींस, ये शेख कितने भी अमीर हो इनकी किस्मत में शलवारें नहीं है। यार फिर आप शुरू ये फाइव स्टार होटल के वॉशरूम गए, बाहर निकले वेटर ने 500 रुपए मांग लिया, ये क्या कर रहे? बहुत अच्छे लोटे में कोल्ड ड्रिंक थी क्या? बरकत भाई आप जरा डॉक्टर को बोलने तो दे, वो बेचारे। अरे हरकत ऐसी करते ना, अपनी बीवी के कपड़े पहनकर मार्केट में घूम रहे थे। मैंने बोले ये क्या, कह रहा चुप हो जा आज अपनी बीवी के सारे जान पहचान वाले पकड़ने। ये शेख नहीं, शेखों की बीवियां भी तो बहुत होती है। ये बात भी हाँ, सही बात यार, मुझे कुछ बोलने दें अंदर का। डॉक्टर साहब आप रुके, हम थोड़ा पहले क्रिकेट पे बात कर लेते फिर आपको। क्रिकेट के हवाले से आज मैं गया था, अभी मैं डायरेक्ट दुबई से आ रहा हूँ भाई, और अब वहां मैं अपने मुखबरों से खबरें लेकर आया हूँ बहुत आगे की। सही है, ठीक है। और ये जो मामला चल रहे थे क्रिकेट के बारे में, हाँ क्रिकेट के बारे में, मामले में ये जो आज जो चार खिलाड़ी जो अंडों पर गए हैं वो क्यों गए? क्यों गए? लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है। मेरी बात को आप समझें, लाहौर लाहौर है। कोशिश कर रहा हूँ। हाँ कोशिश करें जी। ये इंजेक्शन लगे हुए अंडे ना वो खाए थे उन्होंने, अब इंजेक्शन लगे हुए अंडे खाए उनके हो गए पेट खराब। सही। और मुर्गी में भी डबल सिम ना, और मुर्गी में भी डबल सिम लगी हुई थी वो अंडे। 4G वाली, 4G वाली। दानिश भाई डक्स की अगर बात की जाए तो उमर अकमल ने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है T20 इंटरनेशनल्स में, ही इज द प्लेयर जिसके सबसे ज्यादा डक्स हैं, 24 डक्स आज उन्होंने खाए हैं। लेकिन आज की विकेट शायद मुझे कड़ी बड़ी डिफिकल्ट लगी, मतलब उसमें 59 रन्स पे पूरी टीम लाहौर की आउट हो गई, ब्रेंडन मैकलम रॉय जैसे प्लेयर्स, तो शायद देयर इट हैज टू डू विद द विकेट। देखिए जिस तरह से हम पीएसएल के मैचेस स्टार्ट हुए, हाई स्कोरिंग गेम्स गए, जिस तरह से आज मैच हुआ क्योंकि कंटिन्यूस मैचेस खेले जा रहे हैं, विकेट के ऊपर ड्यू भी फैक्टर होता है रात के अंदर, फिर उसके अंदर जो आज है ना जो थी तो विकेट थी उसमें जो था ग्रिप नजर आ रहा था, स्पिनर का बॉल जो है ग्रिप कर रहा था, बैट्समैन जो है उसको इजी नहीं था उसके लिए स्ट्रोक्स खेलना। जैसे आपने देखा शुरू के मैचेस में स्ट्रोक्स आराम से लग रहे थे, छक्के चौके रिवर्स स्वीप सारी चीजें, लेकिन आज के मैच में थोड़ा सीधा मुश्किल हो रहा था, स्पिन भी हो रहा था बॉल और जो विकेट है ना वो कर रहा था अपना ग्रिप कर रहा था। सही है।
दानिश फर्स्ट टू डेज पे एक ही विकेट पे मैचेस हुए, थर्ड डे डिफरेंट पिच पे हुआ, आज उसी पिच पे हो रहा है जिस पे थर्ड डे हुआ, तो विकेट इज लुकिंग वेरी बिजी. सो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अगर विकेट को ज्यादा यूज करते हैं तो शायद रन करना मुश्किल हो जाता. जो पहले दो मैचों की बात की वो वाला विकेट बहुत हार्ड लगा, ग्रास छोड़ा हुआ था, अच्छा बाउंस आ रहा था. जो बाकी विकेट इस्तेमाल किया उसमें थोड़ा सी स्पिन एडवांटेज आया, स्पिन होना शुरू हुआ. अगर हम ये पीएसएल को बरकरार रखना चाहते हैं, उसकी इमेज को और जो लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, अगर इस तरह के मैचेस आगे जाके हुए तो मेरे ख्याल से ये डिसअपॉइंटेंट होगा. और लोग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी सिर्फ स्टार्ट ऑफ द पीएसएल है, लोगों का रुख आप देखें कि इतना ज्यादा नहीं हो रहा है. हमने जहां ग्राउंड्स आर एम्प्टी, ग्राउंड्स आर एम्प्टी, व्हिच इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग. जो चीज़ें हो रही है पीएसएल के साथ जुड़ी हुई, प्लेयरों के साथ और फ्रेंचाइजेस के साथ जो भी चीज़ें हो रही है, उसका भी एक इफेक्ट हो सकता है. सही. लेकिन हमें विकटों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. अगर ये विकटों पे ज़्यादा रन नहीं बने, हाई स्कोरिंग गेम नहीं हुए, तो ये इफेक्ट हो सकता है. लेकिन पीएसएल की टीम्स को वो लड़कियां भी सपोर्ट करी है जिन्हें एलबीडब्ल्यू का बोला तो कहती है ये क्या बदतमीजी मतलब सपोर्ट सब कर रहे हैं. सपोर्ट तो सब कर रहे हैं कि आप देखें कि फीमेल हो जाए या मेल. लेकिन आप सही कह रहे हैं, अगर विकट सही नहीं हुई ना और स्कोर ज़्यादा नहीं हुआ तो दानिश भाई मैं आपको माफ नहीं करूंगा. लेकिन मैं विकेट नहीं बना रहा हूं. और फैसल भाई, मैंने एक तो जब से होश संभाला है मैंने पाकिस्तानी बैटिंग और जमहूरियत को खतरे में ही पाया है. अच्छा ये बात बताइए सर, ये बात सही है कि नून लीग के कारकुन और मशरी की औरत को मियां का हर काम दुरुस्ती लगता है? दानिश भाई कह रहे हैं मुझसे क्रिकेट का सवाल कर लिया. कभी किसी को छुप के क्रिकेट खेलते हुए देखा? आपने बोला यार क्रिकेट नहीं खेलो, मैं खेल चुका. अच्छा एक बात बताइए, बिल्ली की कितनी टांगे होती है? ये बिल्ली की चार, आप बताएं. चार होती है ना, तो फिर लड़कियां दो टांगों पे कैसे कट बुक कर लेती है? पैसे भी ले लेते हैं और कपड़े भी. कौन सा? कौन सा? ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ेगा. अच्छा उसमें भाई, आपने आज हमने देखा लाहौर कलंदर का, क्योंकि मैच हो रहा था, तो महविश हयात साहब थी वहां पे. क्या बात है, महविश हयात साहब. मैच में तो हमें कोई इंटरेस्टिंग चीजें नहीं लगी, लेकिन वही जो वही एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था. भाई आप ये जब मैं भी शायद साहब की बात जो हो रही है, आप उनका गाना देख लें भाई. गाना देख लें. हाय 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 हाय. कौन सा? बिल्ली गाने को देखे सुने के उनको देखे. लाहौर कलंदर वाला जो गाना है इनका, इनकी टीम का जो गाना है, आपका दिल करेगा भाई लाहौर लाहौर है. लेकिन आज 59 पर सब बोर है. कोई बात नहीं, कोई बात भाई, सब खत्म कर दिया. चले कोई बात नहीं, हो जाता है यार क्रिकेट में ऐसा हो जाता है. क्या होता है? आज एक काम, आपके घर के करीब कोई मेडिकल स्टोर है क्यों? हाँ बिल्कुल साहब. हाँ तो वहां से जहर खरीद के पी लेना, खत्म करेगा यार. आज मैं तो ये सोच रहा था फैसल भाई, जो विकेट है उसके ऊपर डामर गिरा दूं. डामर डामर गिरा दूं ताकि आसान हो जाए खेलना. ताकि आसान हो जाए भाई, कुछ तो बनाओ यार. सही बात है दानिश भाई. जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि थोड़ा सा कराची किंग्स के लिए और लाहौर के लिए हम देख रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. आपने क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीरीज कवर की है, अभी आपने बीपीएल कवर किया था, क्या चीजें होती हैं कि आप एक सीरीज में उतरते ही अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दें? वो क्या प्रिपरेशन होती है? एक कॉन्फिडेंस शायद होता है, लेकिन कराची किंग्स में अगर देखें तो इमाद वसीम और जो दूसरे प्लेयर्स हैं, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दे वर शोइंग वाज अप टू द मार्क. लेकिन जब वो परफॉर्म करने आ रहे हैं, आप देखें शोएब मलिक की बॉलिंग नहीं चली, इमाद वसीम की बॉलिंग नहीं चल पा रही है, वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है. देखिए फैसल, बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया. इसमें पहले मैं जो है तो कराची किंग की बात करता हूँ. कराची किंग की आप अगर पेपर पे देखें तो बहुत बड़ी टीम है. सही. ठीक है ना, उसको लीड कर रहे संगाकारा, वन ऑफ द टेरिफिक बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, श्रीलंका के लिए इतना प्रोड्यूस किया. लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द कोच मिकी आर्थर एंड संगाकारा, वो मिल नहीं रही है. आप यू कैन वाजे तौर पे देख रहे हैं कि कल भी आप देखें जब संगाकारा आउट हुए तो उसने इशारा किया कि कारण पोलार्ड को भेजे. ठीक है ना, तो कोच वहां बैठ के क्या कर रहा है? मैं आपको संगाकारा के हवाले से, जब पोस्ट मैच हुआ संगाकारा से रमीज राजा ने क्वेश्चन किया कि जिस तरह का मैच सिचुएशन थी उसमें आप अगर किसी पिंच हिटर को ऊपर भेजते तो उस पर संगाकारा ने क्लियरली नो कह दिया कि इट डजंट वर्क आउट. सो दे आर नॉट विलिंग टू डू टू टेक स्टेप्स. नो द थिंग इज दैट व्हेन यू हैव टू मेनी द बिग ब्रेन्स नो, तो आपकी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है बहुत ज्यादा. संगाकारा भी वहां मौजूद है, महिला जयवर्धन है वहाँ मौजूद है जो अभी तक मैच नहीं खेले, मिकी आर्थर जो हेड कोच है पाकिस्तान के और वो अभी फ्रेंचाइज के लास्ट ईयर भी थे, फिर उसके बाद आपकी जो उनका स्टाफ देखे तो डायरेक्टर क्रिकेट में राशिद लतीफ साहब मौजूद है खुद, तो बहुत सारे बड़े ब्रेन्स हैं. लेकिन कराची किंग की इतनी बड़ी टीम है ऑन पेपर, लेकिन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, वो जेल इन नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी देखे कि कायरन पोलार्ड इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे. और मैंने कल ये बात मैं कर रहा था कि जेम्स फ्रैंकलिन उनके पास मौजूद है जो अभी रिसेंटली बीपीएल में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की, अपनी टीम को जिताया, फाइनल तक लेके आए, तो मेरे ख्याल से कायरन पोलार्ड की जगह वो आ सकते हैं. बड़ा अच्छा एक ऑलराउंडर है. महिला जयवर्धना
टेरिफिक बैट्समैन, वो अभी तक नहीं आया। लेकिन भाई हम, मुझे याद है पिछले साल जब हम बात करते थे हम कहते थे कि इनके पास कोई मैच विनर नहीं है, बट कायरन पोलार्ड इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो आपको जल्दी रन करके दे सकता है, बॉलिंग अच्छी करा सकता है। आप देखें कि जो करंट सिचुएशन है कायरन पोलार्ड की, इतने ज्यादा मैचेस उसने विन नहीं किए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, जो इनकी साइनिंग बिल्कुल थका। आप वो देखें ना वक्त के जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की हम जो साइनिंग देखते हैं, रोसो लेके आया है, वेरी टैलेंटेड। अभी वो करंट रोसो की बात की, हमारे स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होता है, राइली रोसो सेकंड टाइम इन अ रो वो मैन ऑफ द मैच हुए हैं और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उन्होंने। और ये जो है अभी इंग्लैंड चले गए तो एज अ कॉल पैक प्लेयर साइन किया हुआ है, काउंटी खेल, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को एग्जिट कर दिया साउथ अफ्रीका की, इंग्लैंड में जाके ये अभी काउंटी क्रिकेट खेलेंगे, ओनली टू प्ले काउंटी क्रिकेट। राइली रोसो ने भी, जी हां राइली रोसो ने, ही रिजाइन फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ही इज द सेकंड प्लेयर। काइल एबिट ने भी यही किया, काइल एबिट ने यही किया, राइल रोसो ने यही किया कि ये अभी कॉल पैक प्लेयर बन गए हुए एज अ लोकल ऑफ इंग्लैंड काउंटी, तो काउंटी खेलेंगे। आप देखें कि काफी प्लेयर्स साउथ अफ्रीकन्स थे वो कॉल पैक बन के इंग्लैंड की काउंटी में खेले, उसके बाद नेशनल टीम में आए हुए। केविन पीटरसन की मिसाल आपके सामने मौजूद है और बाकी बहुत सारे प्लेयर, डेविड मिलान भी है उसमें शामिल जो वहां से खेलते हैं। जाने में किस बैट्समैन से आपको डर लगता था, देखिए बड़ा मारेगा मुझे? नहीं, अगर मेरे अंदर, अगर मैं किसी बॉलर, अगर मैं किसी बैट्समैन से तो डरता तो मैं तो बॉल नहीं कर पाता, हमेशा ये होता है कि तो चैलेंज लेना पड़ता है। वाँ वाँ। मेरे साथ अच्छा, बचपन में किससे डरते थे आप? हाँ नहीं ये बताए, आपके सवाल ये सोच रहे की वहां तक जाने वाले सवाल जवानी में, क्या बचपन में मैं अकेले रहने से बहुत डरता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो यार मैं मौका ढूंढता था यार मैं कब अकेला रहूंगा। अपनी कमर पे झाड़ू बांधकर कह रहे हैं मुझे मोर बोलो, और फिर मुझसे कह रहे हैं मंस मोर बोलो। अच्छा व्यूअर्स, हमें करना ही है कि एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, एक छोटा मजा आने लगता है ब्रेक पे चला। अभी व्यूअर्स हमारे मैच भी क्योंकि फॉलो कर रहे होंगे, हम बताते चलें कि हम सबको पता होना चाहिए कि 9 रन चाहिए 38 बॉल्स पे, तो प्रॉब्ली शायद लाहौर की टीम हार जाएगी और पेशावर आज जीत जाएगी, बट वी विल गो फॉर अ स्मॉल ब्रेक, व्हेन वी कम बैक वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट। बैक टू बेल्स ऑफ, ब्रेक पे जाने से पहले हम अभी जो मैच हो रहा है उसकी भी बात कर रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे जो कल कराची और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का मैच हुआ था उसकी भी बात करें। उस मैच में दानिश भाई सरफराज की इनिंग्स आउटस्टैंडिंग, बिकॉज एक स्टेज में ऐसा था कि तीन विकेट्स जल्दी गिर चुके थे, लेकिन सरफराज ने आके जो इनिंग्स खेली और राइली रोसो के साथ जो पार्टनरशिप की, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। और उन्होंने दोबारा प्रूव किया कि कितने क्रिएटिव प्लेयर हैं, कितने बिजी प्लेयर हैं और किस तरह वो रन स्कोर करना जानते हैं। और सबसे अच्छी बात जो सरफराज की हमने देखी पोस्ट मैच भी, रमीज राजा जब उनसे क्वेश्चन कर रहे थे तो ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिखते, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखते, ही इज़ ऑलवेज डाउन टू अर्थ, ही इज़ ऑलवेज काम, दिखता है कि एज अ कैप्टन वो टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं। और बहुत ज़बरदस्त कप्तानी कर रहा है और जिस तरह वो टीम को लेके चल रहा है, मैंने आपको कल भी बताया क्वेटा ग्लैडिएटर्स की खास बात ये कि स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट उसके अंदर है, सही ठीक है ना, तो वो उस तरह अपने प्लेयर्स को रोटेट करता है। सही। और जहाँ कराची किंग की हम बात करते हैं, कराची किंग में आप देखें कि छठे सातवें पे तो रविंदर बोपारा बैटिंग कर रहा है, सातवें पे आके इमाद बैटिंग कर रहा है। आपको टी ट्वेंटी में अगर आप इतनी बैटिंग लाइनअप लंबी रखेंगे तो इसका मतलब फॉल्ट है। सही है, टी ट्वेंटी के अंदर सिर्फ तीन या चार बैट्समैन ही चाहिए आपको जो रन कर देंगे, ठीक है ना, आपको चाहिए प्रॉपर बॉलर, प्रॉपर ऑलराउंडर। लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि इमाद वसीम का रोल है वो रोल पूरा नहीं हो पा रहा। इमाद वसीम को या तो फ्री हैंड दे दे, वन डाउन भेज दे, सही है कि हमें जो छह ओवर का जो सर्कल है उसके अंदर हम ये दो प्लेयर को ट्राई आउट करेंगे, अगर इनकी विकेट जाती है तो वी डोंट केयर। सही है, तो मेरे ख्याल से इनको सोचना पड़ेगा। और जहां महिला जयवर्धन है और मिकी आथर हो गया, संगाकारा हो गया, मेरे ख्याल से जिस तरह से मिकी आथर की कोचिंग के ऊपर बात आ रही है वहां पर थोड़ा सी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, देखिए कुछ बड़ी जोर से आ रहा है, कुछ शेर आ रहा है दिमाग में और मैं नहीं नहीं कुछ शेर आ रहा है, जहां देखो इश्क के बीमार पड़े हैं, हजारों मर चुके लाखों तैयार पड़े हैं। वाह वाह, और इसी बात पर सर रुजुम भाई हम सबके लिए, और इसी बात पे कि कपड़े सिलवाने हैं तो ढूंढ लो दर्जी, कपड़े सिलवाने हैं तो ढूंढ लो दर्जी, और अगर ऐसे ही घूमना है तो फिर आपकी मर्जी। भाई और क्या, वफा ढूंढने निकले थे, वफा ढूंढने निकले थे, वफात पा गए कि तेरी इस बात से टूटा है मेरे दिल का कांच, हाँ। और तेरा मुंह ऐसा है जैसे उर्दू का पांच। वैसे आपने बरकत ये देखा कि डॉक्टर साहब जो आज शेख हैं, उनको हम तो शेख साहब, हम डॉक्टर से बात नहीं कर रहे, आप आपको देख के उनको
इश्क के चुटकुले याद आ रहे हैं। अरे भाई आप इनकी शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है इनको जैसे फौरी तौर पर वॉशरूम जाने और आपने इनको शो में बिठाया हुआ। नहीं नहीं, बरकत मशहूर है भाई अपने इश्क के मामले में। हाँ हाँ, बरकत के किस्से, बचपन के किस्से, स्कूल के किस्से, सारे किस्से सुन ले भाई, सारे इश्क पे। हाँ सारे इश्क, वो तो बताए अपनी पहली मोहब्बत। पहली मोहब्बत क्या बताए सर, बता दे। अच्छा आपने आपने कभी मोहब्बत की या किसी को करते हुए देखा? हाँ मैंने की तो है। की है भाई, की तो है। झूठ क्यों बोले भाई, बार बार लाइव है ना, झूठ नहीं बोलता। दानिश भाई आपने, आपको तो बहुत लड़कियां फॉलो करती होंगी जब आप ग्राउंड में होते होंगे। दानिश भाई को ब्लश करवा। नहीं नहीं, प्यार किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से तो लव मैरिज है हमारी। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा कवर। तालियां भाई दानिश भाई के लिए, क्या बात, अच्छी खासी लैग ब्रेक जा रही थी उसको गुगली कर दिया। अच्छा कहते हैं स्वीप खेल लिया मैंने। कहते हैं औरतें दो तरह की होती है, एक वो जिससे आपकी शादी होती है और दूसरी वो जो आपकी शादी वाले दिन पहली बार नजर आती है। वो कहता है यार पहले क्यों नहीं मिली सर, ये दिस इज ट्रू है सर, आप भी मैरिड, आपकी नहीं हुई है ना? मेरी नहीं है सर। ये तो दोनों तरफ से गिरते हैं। हाँ दोनों तरफ टेबल टेनिस। जो लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं वो हमेशा सिंगल ही रहते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, क्या बात। डबल हो जाते हैं डबल। हाँ नहीं नहीं, वो रिस्पेक्ट वो फिर मजबूरी करनी पड़ती है। अब एक लड़की से बरकत भाई मुझे लगता है शादी आप कर लेंगे तो थोड़े से आपके जोक्स कम हो जाएंगे। हाँ मेरा बोलना बंद हो जाएगा, दूर ही रहे। नहीं नहीं फैसल भाई, बरकत में और बरकत आ जाएगी। और एक लड़की मुझसे कह रही तुम सब लड़के एक ही जैसे क्यों होते हो, मैंने कहा हर एक को ट्राई करोगी तो एक जैसे ही लगेंगे। ये प्रॉब्लम है ना सर। अच्छा यार ये बाकी जो लड़कियां वगैरह जो छक्के चौके पे डांस करती हैं, हाँ उससे कभी नंबर पर नंबर लिए उसने? वैसे यार ये यहाँ पे पीएसएल में चीयरलीडर्स नहीं है, पीएसएल में चीयरलीडर नहीं है। और अच्छा यहाँ पे चीयरलीडर है, नहीं जरूरत भी नहीं है, वो नजर नहीं आ रहा ज्यादा। लेकिन जरूरत नहीं है ना, क्यों? पठान बहुत है यहाँ पर ना हमारे। आज मैं दुबई में, शेख साहब बताएंगे कि क्यों नहीं है। आज मैं देख रहा था ग्राउंड के अंदर, अवामी नहीं है भाई। आपने किस तरह इसकी मार्केटिंग की है, आपने पाकिस्तान में तो मार्केटिंग की है लेकिन दुबई के अंदर ठीक है, लास्ट ईयर आपका एमसीएल भी चल रहा था तो इतना आपकी वो नहीं मिली प्रमोशन, आप वहाँ नहीं कर सके, लेकिन इस दफा आपके पास एक मौका था, वहाँ इतने सारे मॉल्स है, बहुत सारी चीजें हैं कि आपको पीएसएल की ब्रांडिंग और मार्केटिंग बहुत ज्यादा करनी थी। सही है। उससे भी एक बहुत फर्क पड़ता है, जो लोग आ रहे मैच देखने ज्यादातर हमारे वो भाई लोग हैं जो बेचारे काम करते हैं, टैक्सियां चलाते हैं, ड्राइव बहुत सारे वो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके जो मैचेस की टाइमिंग है फिर उसके बाद लोगों को पता नहीं इतना वहां पर, तो मेरे ख्याल से इससे ये इफेक्ट हुआ है। सही है। और मेरे ख्याल से कि इनको और ज्यादा मार्केटिंग ये हो रहा था कि पेशावर सलमी ये कर रहा था कि ऑडियंसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राउंड में बुला रहे थे, फिर ये था जो आ रहे थे उनको टी-शर्ट्स दे रहे थे। या बिल्कुल, दिस काइंड ऑफ स्टफ शुड हैपन, दैट दिस टाइप ऑफ स्टफ शुड हैपन इन ऑल द मॉल्स ओवर देयर एज वेल इन दुबई, कि जितने मॉल्स हैं, जितने सेंटर्स हैं वहां पर मेजर, वहां जाके आप वो करें तो डिस्ट्रीब्यूशन करें, स्कूलों को लेके आए, कॉलेजेस को लेके आए, पब्लिक जितनी ज्यादा आप ला सकते लेके आए, क्योंकि आप ये प्लेटफॉर्म को ले के, आपने इस प्लेटफॉर्म को लेके सिर्फ दुबई नहीं बैठना है, आपको इस प्लेटफॉर्म को लेके पाकिस्तान आना है, क्योंकि मेनली इट्स ऑल अबाउट द ब्रिंगिंग द इंटरनेशनल क्रिकेट टू पाकिस्तान एंड हाउ यू ब्रिंग दैट व्हेन यू हैव मोर क्राउड इन, यू हैव मोर पॉपुलैरिटी ऑफ द गेम। देखिए कि जिस तरह की सिचुएशन अभी लग रही है, जो अभी इंसिडेंट्स हुए हैं और इफेक्ट होता है थोड़ा, इससे इफेक्ट बहुत पड़ता है, ठीक है ना, एक सिक्योरिटी रीजन है, लेकिन जहां तक नजम सिटी साहब ने कह दिया है कि फाइनल लाहौर में होगा, उसके अंदर अभी जो टीम फाइनल में आती है क्या उसके फॉरेन प्लेयर्स दे विल अग्री टू गो कम टू लाहौर, दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द मेन थिंग। शेख साहब क्यों खुश हो रहे हैं लाहौर होने पे? लाहौर के लिए, क्योंकि लाहौर लाहौर है ना। हां लाहौर लाहौर है भाई। और दूसरा ये टिकट भी बहुत महंगे होंगे तभी आज ऑडियंस नजर नहीं आई, करा दे कराची में करवा दे भाई। फैसल भाई ये खांसी का शरबत लेते ना उसमें से इस तरह की चमची निकलती है। मैंने इसे कहा आपको व्हाट्सएप चलाना आता है, कह रहा तुम चला लेना मैं पीछे बैठ जाऊंगा। देखो यार क्या करूं भाई, यही कर सकता हूं, चलाते बड़े भाई व्हाट्सएप पे है थोड़ी शेख है कहां के, ये मेरा ये लियाकत बात के मेरा खाली नहीं नहीं, उससे भी आगे, उससे भी आगे, उससे भी आगे और उससे भी आगे और वहां से भी आगे। अच्छा जी उससे भी आगे, यादगार शरारत जो आपने जवानी में करने की कोशिश की और आप पकड़े गए, और फिर आपने कहा नहीं मैं तो यही करूंगा। मैंने से पूछे बच्चे इतने शरारती क्यों होते, जो चीज पैदा ही शरारत से वो शरीफ कैसे हो सकती है। अच्छा ये जो पोलार्ड है, पोलार्ड दानिश भाई, पोलार्ड जो है होठ इतने मोटे क्यों है? आप उससे पूछ ले, फोन करके पूछ ले उससे। वेस्ट इंडीज के आप बहुत से प्लेयर्स ने ये करना शुरू कर दिया, वो अपना सोहेल खान भी कर रहा
ये क्या करते हैं? वोट बढ़ाने के लिए? हाँ, ये बत्तख की तरह, क्या वजह? नहीं, वो अच्छा, मुझे से रिएक्शन याद आई, जो सेलिब्रेशंस है इस बार वेस्ट इंडीज की, एक ऐसी टीम है जो दे कम अप विद यूनिक वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग, नई चीज लाती है। डेरेन सैमी को आपने देखा है इस बार किस तरह वो सेल्फी वाला, आज भी सेल्फी ली उन्होंने भाई। ये जो सेल्फी का है, जो बीपीएल जब चल रहा था उनके उसके अंदर एक प्लेयर था कैथरिक विलियम्स, ओके, जो वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, तो वो जब बीपीएल खेला ही वॉज प्लेइंग अगेंस्ट डेरेन सैमी। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, तो कैथरिक विलियम जब भी विकेट लेता था या करता था तो वो सेल्फी लेता था, तो वहां से उसने था डेरेन सैमी ने उसको वो किया, और ये वो ही है था वेस्ट इंडीज, क्या पता है कि वेस्ट इंडीज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट, जॉय करते हैं, और टीम में अहमद शहजाद होते तो बड़े खुश होते हैं। जैसे जैसे उमर अकमल ने वो शुरू किया था, वो मैंने देखा कोई बाहर का वो है, वो भी वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, डेविन ब्रावो, मुझे लगता है मेरी बहन की बेटी को लकवा हो गया। मैंने कहा अम्मा कैसे कह रही है, बेटा उसका एक हाथ उठा हुआ है और मुंह पिचक गया। अरे मैंने कहा अम्मा वो सेल्फी ले रही है, बताइए। मैं भी यही कहने वाला था, वो जो जब वो सेल्फी ले रहे थे वो पाव नहीं कर रहे, क्या कहते हैं, पाउट, क्या क्या कमबख्त नाम मारी करती है। आप लेते हैं सेल्फी लेते हैं? नहीं, कभी कभी रहता हूँ। अच्छा, आपके जमाने में तो सेल्फी नहीं थी, एल्फी थी, नहीं, जब आपके आपके आप जब टीम में थे जब सेल्फी नहीं थी, तब अब अफसोस होता है, अरे यार सेल्फी का मजा। उस जमाने में कैमरे भी नहीं, जगह जगह किसने वीडियो बना लिया भाई, वो चक्कर। अभी भी लोग लेते हैं, अभी भी लोग लेते हैं। नहीं, दानिश भाई भी गुगली मार के, दानिश भाई भी गुगली मार के बोलते हैं एक मिनट सेल्फी। हाँ नहीं, अब तो फॉरेन वीडियो रिलीज हो जाता है, तो सेल्फी का दौर है। सेलिब्रिटी जहां भी जाता है सलगर पकड़ा गया, यहां से सेल्फी वहां से सेल्फी। आजकल तो जो भी चीज है एकदम बहुत ज्यादा है ना, तो वायरल हो जाती है। डेरेन सैमी की बात हो रही थी, आज टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो ऐसा लगा कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अगर आप पहले टॉस जीतते हैं तो ज्यादातर बैटिंग सेकंड करते हैं, सो इट लुक्स लाइक कि टॉस का एक बहुत बड़ा रोल, ड्यू फैक्टर का बहुत बड़ा एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, कि जब ड्यू फैक्टर होता है तो बॉल तो गीला होता है, लेकिन जो विकेट होता है उस पर बल्ले पे बॉल अच्छा आता है, तो एक वो एडवांटेज होता है। आज आप देखिए कि जिस तरह का सेकंड मैच हुआ है, 59 तो किया उन्होंने, लाहौर कलंदर ने आउट हो गई, लेकिन उन्होंने भी स्ट्रगल किया है 59 करते हुए, सही बात, क्योंकि विकेट में वेयर एंड टेयर था, ठीक है ना, वेयर एंड टेयर था, वेयर एंड टेयर का मतलब स्पिन, हाँ एक ही मैच हुआ है, और मेरे ख्याल से जिस तरह का स्पिन हो रहा था, हमने जो है नारायण की बॉलिंग देखी, जो स्पिन कर रहा था, बड़े बड़े टर्न हो रहे, बड़े बड़े टर्न हो रहा था, और ड्राइव ही नहीं लगी थी, जब जो विकेट पे ड्राइव नहीं लगेगा तो वहाँ मुश्किल होगा, क्योंकि जो है पेस ऑफ द बॉल वेरी कर रहा था और बाउंस भी वेरी कर रहा था। सही है। जब हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ी सी कराची किंग और कोयटा ग्लेडियर्स की बात करता हूँ, कराची किंग की साइनिंग की बात करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा नाम है, एब्सोल्युटली, कोयटा ग्लेडियर्स की साइनिंग की बात करते हैं, वेरी गुड साइनिंग, क्योंकि वो जो है सारे करंट खेल रहे हैं, सही है, और उन्होंने अभी करंटली परफॉर्म किया हुआ है, जैसे रॉसो की बात की, टाइल मिल्स की बात की, टाइल मिल्स को कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस थी बीपीएल में, अमेजिंग परफॉर्मेंस उसने जो परफॉर्मेंस की अपनी जो है कंट्री की तरफ से, अमेजिंग। तो आप ये देखिए कि साइनिंग किसको करते हैं, आप ब्रांड तो लेके आते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आते, लेकिन क्या वो करंट फॉर्म ऑफ क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्रिस गेल की हम बात करते हैं, क्रिस गेल नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन जिस तरह की अभी सिचुएशन हो गई है कराची किंग की, कराची किंग की जिस तरह सिचुएशन है, क्या क्रिस गेल को मैच बैठाएगी, महिला जयवर्धन को लेके आएगी? आपकी कोई यादगार परफॉर्मेंस क्रिकेट के अलावा जो याद रह गई? क्रिकेट की परफॉर्मेंस याद रह जाती है, क्रिकेट के अलावा बोल रहा हूं, क्रिकेट के अलावा कोई ऐसी कोई खास नहीं है, नहीं किसी और को याद है, उसने बताया हुआ यार आपने ये परफॉर्म किया था, हां, और मैं कहीं गाना गाया हूं, हां कोई ऐसा होता है, और वो आप स्कूल जा रहा है, आज दानिश भाई फंस गए, आज दानिश इंडिया के टूर पे थे, तो वहाँ जब हम इंडिया के टूर पे गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, वहाँ फंक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा थे, क्योंकि पॉडफन टीम गई थी पहली दफा, और अल्लाह के शुक्र से वो भी हो रहा था, तो परफॉर्म बहुत जबरदस्त हो रहा था, हाईएस्ट विकेट लेकर जा रहा था, तो वहाँ शो हुआ, तो शो के दौरान मुझे बुलाया गया, तो मैंने बोला भाई मुझे ऊपर स्टेज पे नहीं जाना, उसे नीचे बुला लो जिसकी वजह से बुला रहे हो, नहीं वहां से इंडियन हीरोइन भी तो मिली होगी ना, लेकिन अब दानिश भाई की आप फिटनेस देखें, ही इज गेटिंग रेडी, फिट रहते हैं, फिट आते, रेडी हो रहे हैं फिल्मों में काम करने के लिए। क्या वो मैंने हीरोइन से पूछा, मैंने कहा आपकी एक्टिविटीज क्या है, वो कह रही हम दो बहनें हैं, तीन भाई हैं, मैंने कहा मैडम मैं आपकी एक्टिविटीज पूछ रहा हूं, आपके अब्बू की नहीं। अच्छा शेख साहब को कुछ बोलना है, लेकिन शेख साहब हम आपको मौका देंगे ब्रेक के बाद, फैसल भाई मैं अपना ये अपने घर में उस शख्स की तरह जिस हर बंदा बोल रहा होता है सिर्फ तेरी वजह से जलील हो रहे ये कुछ अपना भूल गए, मैं अपना बाज भेज दूं कुछ खबर के लिए, हम बाज वाले बाबा है ना, बाबा सही सही सही, सो ये बाज वाले बाबा अपने बाज को भेज देने के लिए, हम ब्रेक के से वापस आएंगे तो ये खबर लेंगे कौन सी खबर आ रही है, बिल्कुल कहीं नहीं जाइएगा, बेल्स ऑफ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ, हमारे साथ है कॉमेडी के शहनशाह और किंग, बरकत उज़्मी, दानिश कनीता और डॉक्टर शेख
ताफ्तान ये आ गया मेरा बात मैंने लेकिन किसी भी खबर लेकर ज्यादा मजा आता है अगर वो ऑन एयर करें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा सीरियसली यार व्यूअर्स अभी बहुत जो 59 रन्स वाला मैच हो रहा है वो इतना नेल बाइटर हो गया है कि 5 रन चाहिए 3 विकेट बाकी हैं और कोई 17 बॉल्स बाकी हैं सो दानिश भाई 59 रन्स भी ऐसा लग रहा है कि वो डिफेंड हो जाएंगे हम शो से पहले जो डायरेक्टर साहब थे उनसे बात कर रहा था बोले ये आसान मैच है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा मैंने कहा इट्स जस्ट क्रिकेट क्रिकेट में जब लो स्कोरिंग गेम होता है वो हमेशा डिफिकल्ट रहता है कि मैंने उनको बताया कि ये टीम जो अगली टीम है जलमी है वो 30 पे भी आउट हो सकती है सही है ऐसा ही होता है कि जब आपका शॉर्ट स्कोर होता है तो आप जाते हैं कि यार आराम से खेलेंगे आराम से निकलेंगे लेकिन जिस तरह की कप्तानी कर रहा है ब्रेंडन मैककलम ब्रिंग्स अ ब्लेंड कि जिस तरह वो अटैकिंग किया उसने सिल्ला भी रखा स्लिप भी रखी और अटैक किया और ये इसलिए भी जरूरी है कि आप अगले मैचेस में जाएंगे तो अगर आप हार भी जाते हैं लाहौर एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा कि वी कैन यू नो डिफेंड स्मॉल टॉटल्स और बिल्कुल ये बताएं कि आज जैसे हफीज के लिए बड़ा जरूरी था पिछले दो मैचेस में उन्होंने डक लिया था आज जरूरी था कि वो खड़े रहते थोड़ा टाइम गुजारते और अपनी फॉर्म को वापस लाते ऑल्दो रन ज्यादा नहीं थे लेकिन वो ही कुड हैव स्टेड ऑन द क्रीज लेकिन वो आज भी बाहर निकल के आउट हुए बिल्कुल बाहर निकल के नारायण की बॉल पे ब्रेक हो रहा था इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की अगर वो इधर आके अपनी फॉर्म को वापस से गेम करेगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रॉब्लम होगी दोबारा क्योंकि पाकिस्तान टीम रिलाई करती है बहुत ज्यादा हफीज की वनडे के अंदर खासतौर पे वनडे में और जब बॉलिंग के वापस आ गई है सिचुएशन चल रही है यू नेवर नो अभी उन्होंने तो वेस्ट इंडीज का भी दौरा करना है तो मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत मैटर करती है कि अपनी फॉर्म को बरकरार रखने के लिए और मेंटेन करने के लिए इस तरह की अपनी विकेटें ना गवा दे जिस तरह से वो विकेटें गवा रहे शुरू में भी आपने देखा कि बाहर जाती हुई गेंद को लिंगर ऑन करके ड्राइव मार दिया स्लिप में चली गई और वही प्रॉब्लम इनकी बाहर मुल्कों में भी होती है आज स्पिनर से आउट हो गए आप देखिए कि वेस्ट इंडीज में आप जाएंगे वहां पर उनके फास्ट बॉलर भी अच्छे और वहां पर स्पिन भी होता है और बाहर जाती चीज को छेड़ो नहीं जो जा रही जाने दो हां जा रही है जाने जो अंदर आ रही है उसको आने दो भाई भाई भी आ जाते हैं फिर साथ में उसमें भाई ये इनका कोई परिंदा गया था उसका तो पूछे परिंदा गया दरिंदा यहां रह गया यार वो गया खबर वहां दे दी उसने हां क्या भाई नौकरी आजा आजा अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है खाने में भिंडियां आपका नाम तो उज़्मी है ना अच्छा 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 पहली बार उज़्मी ने मुझे रखी नाम उज़्मी है बाकी सारे काम आप कहेंगे तो होगी रन बनेंगे तो लोग देखने आएंगे मजा आएगा वरना नहीं आएगा अच्छा मैं जा रहा हूँ ये शो छोड़ के नहीं यार नहीं 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 भाई मेरे साथ यहीं पर है ना क्या हो गया फैसल भाई समझा ना यार समझाता हूँ जज्बाती हो गए आप बताए ना क्या वो गुगली कैसे मारते गुगली बाबा दानिश भाई की गुगली ऐसे नहीं आती ऐसे अच्छा लेग स्पिनर थे ना वो मैंने खेल लिया दानिश भाई जैसे हमने कहा कि हफीज को चांस था कि आज वो कमबैक करते इसी तरह उमर अकमल से भी काफी उम्मीदें थी लेकिन शायद पिच का कुछ ज्यादा ही जैसे उसमें भी कह रहे हैं कि पिच हैज टू बी एज अ प्रोफेशनल जब हम खेलते हैं ना एज अ प्रोफेशनल हमें एक्सक्यूज नहीं होती कोई भी चीज की हमें एक्सक्यूज नहीं करनी चाहिए विकेट ऐसा था रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके खेलनी चाहिए सारी चीज हम डाल देते हैं कोच के ऊपर विकेट के ऊपर कुछ भी गलत होता है विकेट ने ये किया कोच ने ये कहा था इस वजह से मैं आउट हो गया लेकिन हमें अपनी भी चीज देखनी चाहिए कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं हमारा भी फॉल्ट है उसके अंदर लेकिन अभी तो आपने कहा कि कोच से नहीं बन रही हो कराची वालों की मैं कराची में ये बात डिफरेंट है वो बात डिफरेंट है क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं कि संगाकारा नहीं आप अभी नहीं गलत नहीं कम्युनिकेशन यार वैसे उसमें भाई देखिए मैं सोचता हूं कि मैं बिल्कुल मैं जा रहा हूं भाई नहीं नहीं उसमें मेरी बात अगर कोच से नहीं बने ड्राइवर से बना लो भाई अच्छा बहुत अच्छे भाई ड्राइवर से बना लो ना बहुत अच्छे ये खान कोच बहुत चला इसने जी जाने में क्या कर रहा है भाई अभी इन्होंने जब्बा पहनना शुरू किया ये कोट और पैंट पहनकर इस तरह झुककर जा रहा था मैं गौर से देखा तो कोट का बटन पैंट में लगाया अच्छा हम अपने व्यूअर्स को बता दें और आप सबको भी बता दें क्योंकि बरकत उसमें तो हमेशा बोलते हैं सारी टीम है हमारी पेशावर जलमी जो है जीत चुकी है तो पेशावर से मेरे लिए डंडा वैसे एक चीज है कराची किंग्स को शायद बरकत उज़्मी को अपनी टीम में बुलाना चाहिए द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन दैट दीज टू हैव
उनकी टीम की कॉम्बिनेशन बेहतर हो सकती है अगर कुछ दिन ये लोग उनके साथ रहे तो बरकत उसमें के लिए भी थोड़ी तालियां बिल्कुल बिल्कुल हम खुद ही बजा रहे हैं फैसल भाई के लिए कौन बजाएगा फैसल भाई के लिए अच्छा दानिश भाई आपने पीएसएल क्यों नहीं खेला यार होना चाहिए अभी तो आप खेल सकते हैं आप तो फिट है माशाल्लाह आप डब्बू खेल रहे कंचे नहीं खेलने कंचे या लूडो खेले अगर 99 वाले सांप से डर नहीं लगता तो लूडो खेले 99 पे सांप आ गई बड़े 99 पे काटता है बंदा 2 पे आ जाता है अच्छा दानिश भाई अभी जो टेबल की सिचुएशन होगी पॉइंट्स टेबल की उसमें अगेन लाहौर सेकंड लास्ट होगा कराची किंग्स लास्ट होगा क्वेटा ग्लेडिएटर्स टॉप पे होगा समवॉट पिछले साल जैसी पोजीशन है सो क्या आप एडवाइस करेंगे इन दो टीम्स को जो बॉटम पे हैं कैसे शायद लाहौर तो इतना बुरा पोजीशन नहीं है लाहौर की पोजीशन बुरी नहीं है लेकिन जिस तरह मैचेस चल रहे हैं जिस तरह मैच होने हैं इस्लामाबाद के साथ सेटबैक हुआ हुआ है मेन प्लेयर उनका बाहर चले गया है बॉलिंग में उनको प्रॉब्लम आ रही है कराची किंग का देखिए कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम बन रही है लेकिन विद इन द टाइम क्योंकि टाइम इसके अंदर इतना होता नहीं T20 के अंदर तो मेरे ख्याल से कराची किंग की अपनी जो टीम के अंदर जो बाहर बैठे हुए वो भी बहुत बड़ा नाम बैठा हुआ है बाहर तो वो भी जो है टीम के अंदर आएंगे और फिर चेंजेस होगी और मेरे ख्याल से जहाँ ये टूर्नामेंट जाएगा तो कराची जो बॉटम पे जा रही है वो इवेंचुअली विल कम फर्स्ट और सेकंड वाह वाह भाई वाह कराची के लिए तालियां आपने कहा कि इतने सबके साथ इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं तो बाद में कौन बचेगा नजम शेट्टी जब ये चुप रहते हैं ना लोग इन्हें बेवकूफ समझते हैं और जब ये बोलते हैं तो लोगों का शक यकीन में बदल जाता है लेकिन शेख बोलते भाई वो वाला शेख नहीं वो वाला शेख हूँ तुम लोगों के चक्कर में शेख बना हो भाई जाता है भाई हमारे यहां शेख साहब नहीं है आप जो समझ रहे हो सीढ़ी बाबा के चक्कर में भाई नो आप नहीं हो हमारे लिए शेख साहब हम तो शेख साहब से बात उनसे हमारी अच्छी दोस्ती आप शेख साहब मैं शेख साहब हूं भाई मुझे अपने प्रोड्यूसर का जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने जो है ना मुझे इस तरफ बिठाया है वरना आपकी गनों के रुख उसी तरफ है दोनों नहीं नहीं आप हैं तो आ जाते अच्छा शेख साहब एक बात ये दाजी भाई ये एक बात बताइए कहते हैं स्कूल की घंटी और गरीब का दरवाजा जब भी बजाओगे बहुत सारे बच्चे ही निकलेंगे अच्छा दाजी भाई आपके कितने बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह जो भी है जो उसको बैटिंग बहुत पसंद है बैटिंग में जो भी उसको मैं अभी फिलहाल उसको उसे पता चल गया बॉलर्स का जो है ना वो कैरियर है नहीं और आजकल तबाह बर्बाद कर दिया आजकल जो कैरियर है मैं सारे जूनियर्स जितने लोग भी देख रहे हैं जो हमारे यंगस्टर है आजकल है तो 3-dimensional प्लेयर का अगर आप बॉलर अच्छे हैं उसके साथ आपको बैटिंग अच्छी होनी चाहिए विकेट कीपर भी हो जैसे उमर अकमल कर लेता है जब अनफिट होता बच्चे आजकल के ऐसे हो गए छोटे छोटे बच्चे ऐसे मॉडर्न हो गए छोटा बच्चा मम्मी से करे मम्मी डायपर थोड़ा नीचे बांधना डैशिंग लगूंगा देखो यार ऐसे मॉडर्न बच्चे हो गए सर अच्छा ये तो शेख साहब इनकी खबरें क्या है अभी तक आई नहीं कुछ नहीं आ रहा शेख भाई देखे मेरी खबर आई थी फैसल भाई ने ऐसे रोक लिया कहना इनविजिबल यहाँ बता दो यार लेकिन मेरे हिसाब से विकेट को थोड़ा सा ईज आउट करना जरूरी है क्योंकि अब शायद उसको विकेट को थोड़ा रेस्ट मिलेगा या उसमें जाहिर है आपको विकेट पे थोड़ा सा काम होगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी फिर फ्रेश विकेट हो जाएगा नेक्स्ट गेम के लिए टूर्नामेंट इस तरह चलेगा कि पहले मैचेस दुबई में होंगे शारजा में होंगे फिर दोबारा दुबई में जी हां बिल्कुल इस तरह से कि अभी जो नेक्स्ट राउंड होगा मेरे ख्याल से शारजा में खेलेंगे फिर वापस दुबई आएंगे फाइनल दुबई आएंगे तो बड़ा एक अच्छा वो लेकिन मेन चीज यही है हाई स्कोरिंग गेम्स होंगे इंटरेस्टिंग गेम होंगे जैसे हम शुरू के दो मैचेस देखे बड़े इंटरेस्टिंग है आज का देखे कि 59 पे था लेकिन इंटरेस्टिंग बन गया बन गया सही ठीक है ना तो मेरे ख्याल से जितने ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम होंगे हमारे पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स है जो पाकिस्तान से खेल रहे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है और जो यंग प्लेयर है वो ज्यादा से ज्यादा इस लीग में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तो फिर आपकी मजा आएगा क्रिकेट में क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑल अबाउट द ब्लेंड ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज ब्रॉट इनटू दिस पीएसएल एब्सोल्युटली अच्छा दानिश भाई आज की जो पेशावर जलमी की परफॉर्मेंस है उसमें हसन अली एक बहुत अच्छा बॉलिंग करते हुए दिखे वो पीएसएल 3 आउट किए उन्होंने पीएसएल की फाइंड है और आज उन्होंने ड्यूरिंग द ब्रेक जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो भी बड़ा सटल इंटरव्यू था उन्होंने कहा कि मैं आई वाज ट्राइंग टू पुट द बॉल ऑन द राइट प्लेसेस और वो वैसे ही किया उन्होंने अच्छा हसन अली फिट भी बहुत लगता है ही इज वेरी फिट यस कैचेस छोड़ते हैं करने के बाद या वो जरा थोड़ा सा वो होता है वो स्टाइल दिखाते हैं इतनी ऊंची उठाता है उससे लगता है कि यार वो फिट है लेकिन उसमें भाई कैचेस वो बहुत छोड़ते हैं टांग पे जोर ज्यादा दिया नहीं ये टांगे पकड़ते हैं ना ये लेकिन फिट लगता है आप क्या कहते हैं कसा हुआ है
उसकी जो फिटनेस है क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट कंटिन्यूस खेल रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आया है, उसके बाद न्यूजीलैंड गया और सारी उसने देखे टू अर्ली। लेकिन अगर वो अपने आपको देखे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना आसान है लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके अपने आपको मेंटेन करना वो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एवरीथिंग इज ओवर देयर। वहां पर आप किस तरह अपने आपको मेंटेन करते हैं, फिटनेस लेवल कैसा रखते हैं, आप मेंटली स्ट्रांग कितना है, अपनी परफॉर्मेंस है उसको कंसिस्टेंस कितना है। और नो बॉल करें तो ज्यादा बड़ी ना करें, पकड़े ना जाए, और ऐसे ये जरा जोर देना चाहिए। और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि ये हसन अली और जो जितने अच्छे प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें शॉर्टर फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस देनी, तो उम्मीद करते हैं कि वो आके अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा असल नाम हसन अली है। हम अपने व्यूअर्स को अभी जो पॉइंट्स टेबल की पोजीशन है वो दिखा देते हैं और हमें अपने शो का वाइंड अप भी करना है। सो मैं दानिश भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। पॉइंट्स टेबल हमारी स्क्रीन पे है, व्यूअर्स अगर देख सकते हैं तो वो उसमें पोजीशन यही है कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है वो टॉप कर रहा होगा, पेशावर जलमी अब ऊपर आ जाएगा और कराची और लाहौर ऑब्वियसली बॉटम पे होंगे। सो ये हमारे सामने, अब पेशावर ऊपर आ गया बिकॉज रन रेट उनका बेहतर हो गया है और क्वेटा इज प्लेड टू 1-2। जलमी इसलिए ऊपर है कि उनके जब जिस तरह टूर्नामेंट ये चलता रहेगा ना तो आप देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन नजर आ जाएगी, जो टीमें ऊपर थी वो नीचे बीच में चली जाएगी, नीचे की ऊपर आ जाएगी। बड़ा हम ये बताते चले, दानिश की प्रेडिक्शंस 90-95% सही होती है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स कौन सी टीम में ज्यादा है? शो को देखने का और हम उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आ रहा होगा, अपनी राय से हमें आगाह करें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे। हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे इसी तरह क्रिकेट की बातों के साथ और एंटरटेनमेंट के साथ। सो सी यू नेक्स्ट वीक, कीप वॉचिंग बेल्स ऑफ।